स्वागत है गल्फ आइडिया चैनल में। अगर आप हर दिन रोज नई अपडेट लेना चाहते हैं गल्फ कंट्री के बारे में तो अभी आप मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जो कतर की सबसे बड़ी अभी खबर आ रही है दोस्तों, कतर के जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है उसने दोस्तों एक नया जो सर्विस होती है वो लॉन्च किया है एतराज ऐप में। इसमें दोस्तों अगर आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, अगर आपके पास कोई ज़रूरी कागजात या फिर सर्टिफिकेट नहीं है तो इस एप्लीकेशन में आप अपलोड कर सकते हैं और जहां जा रहे हैं वहां पे इस एप्लीकेशन के जरिए आप उस सर्टिफिकेट को दिखा सकते हैं। जो कि दोस्तों जो पहली सेट जो आपकी एड्रेस सर्टिफिकेट वो भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं और फिर दोस्तों रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। इसमें दोस्तों ई वॉलेट भी ज्वाइन किया गया है, जो कि दोस्तों अगर आपको इसमें अपना पैसा ऐड करके रखना है तो इसमें आप ऐड करके रख सकते हैं। इसमें दोस्तों एक ई वॉलेट का ऑप्शन दिया गया है, जो कि अपना पेमेंट या पैसा या फिर दोस्तों पैसा अपने अपने अकाउंट में दोस्तों इस एतराज ऐप के ज़रिए आप इसमें पैसा ऐड करके रख सकते हैं। फिर दोस्तों इसे बहुत सारी जो भी इसमें फंक्शन दी गई है बहुत सारी अपडेट कर दी गई है। इसमें अपना आप सर्टिफिकेट रख सकते हैं, ई वॉलेट भी रख सकते हैं। आप अपना पैसा किसी को ट्रांसफ़र करना है तो इस एप्लीकेशन के ज़रिए आप किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और फिर दोस्तों जो कतर की अगली अपडेट आ रही है, लगभग दोस्तों 1500 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया है जो कि दोस्तों कोविड-19 का उल्लंघन कर रहे थे नियमों का। और इनमें से दोस्तों 1543 लोगों को दोस्तों वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे थे और बाकी का जो दोस्तों 1117 लोग हैं वो दोस्तों मास्क नहीं पहने थे और 413 लोग दोस्तों जो कि सेफ डिस्टेंस बना के नहीं रख रहे थे और 13 लोग ऐसे थे जो कि एतराज ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके नहीं रखे थे। और फिर दोस्तों कतर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थनवी ने सुबह फ्राइडे के दिन न्यूयॉर्क में पहुंचा और वहां के जो यूएसए के जो वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे मिलकर कुछ खास बात हुई है, जो कि दोस्तों इस जो सेशन का नाम दिया गया है 76th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। फिर दोस्तों कतर की अगली अपडेट आ रही है, जो वर्कर को दोस्तों बहुत से सारी जो कंपनियां हैं जो दोस्तों गर्म मौसम में भी काम करवाते हैं और दोस्तों उन्हें बहुत ही परेशान करते हैं। इससे दोस्तों अगर वर्कर लोग खुले जगह में किसी हॉट अगर टेम्परेचर है अगर वहाँ पे वर्कर काम कर रही है तो उससे बहुत स्ट्रेस होती है, जो कि उन्हें बहुत ही तबीयत ख़राब हो सकती है और उन पर हेल्थ और स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों वहाँ पे एक नियम लाया गया है कि वहाँ पे कोई भी कंपनी, चाहे बड़ी कंपनी हो चाहे बड़ी छोटी कंपनी, कोई भी वर्कर को धूप में गर्म मौसम में काम करने के लिए नहीं करा सकती है। तो दोस्तों जून से लेकर सितंबर तक इंस्पेक्शन किया गया है, चेकिंग किया गया है, जो कि दोस्तों 338 कंपनियों पर नोटिस जारी किया गया है, जो कि दोस्तों 338 कंपनी ऐसे थे जो कि वहाँ के जो कानून है उस पर नियम से नहीं चल रहे थे। 338 कंपनी में दोस्तों वर्कर लोगों के साथ बहुत ही धूप में काम करा रही थी, जो कि वर्कर लोगों की भी परेशानी हो रही थी। इसी बीच दोस्तों वहाँ की सरकार जो भी कानून नियम लाती है सभी के लिए बराबर होती है। इसी तरह रोज़ आप गल्फ कंट्री के बारे में रोज़ नई नई अपडेट लेना चाहते हैं तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।